जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। बुधवार को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में दो रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले राहुल गांधी रामबन में रैली को संबोधित किया और फिर अनंतनाग में भी लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, तो आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना सही बात है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कहा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई का बीजेपी ने फायदा उठाया है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको साथ लेकर मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, सब लोग भाईचारे के साथ रहें और आगे बढ़ें, हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीति रिश्ता नहीं है। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। इसके साथ ही अनंतनाग में राहुल गांधी ने रामबन की तरह ही स्टेटहुड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को उसका हक वापस मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को उसका हक दिलाकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा 2024 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। कुल 90 विधानसभा सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 32 सीटों पर फाइट करेगी, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। इसके अलावा 2 सीटें सहयोगी दलों CPIM और पैंथर्स के लिए छोड़ी गई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।